दोस्तों, लोकसभा चुनाव में इस बार राजस्थान के 7 विधायकों ने चुनाव लड़ा, जिनमें से 5 ने विधायक से संसद तक का जो सफर है वो तय किया। इसके चलते राजस्थान विधानसभा की 5 सीटें अब खाली हो गई है, जिस पर संभवतः नवंबर में उपचुनाव संभावित हैं। इसे लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस के सामने अपने विधायकों की सीट बचाने की चुनौती है, तो बीजेपी की कोशिश उपचुनाव के ट्रेंड को तोड़ने की है। पिछले 10 सालों में हुए उपचुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहा है। कांग्रेस सत्ता में रही हो या फिर विपक्ष में, उपचुनाव की बाजी मारती रही है। ऐसे में सत्ता की कमान संभाल रहे सीएम भजनलाल के लिए बीजेपी को उपचुनाव जिताने का जिम्मा है। इसी के चलते अब मेल मिलापों का दौर भी जो है वो शुरू हो गया है, और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं 2 खास मेहमान। बीजेपी से हमारे साथ है नवीन शर्मा जी, और कांग्रेस से हमारे साथ है राजकुमार मीना जी। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नवीन जी, आपके पास आना चाहूंगा। लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट रहा, उसके बाद अब उपचुनावों के लिए क्या नए कदम जो है बीजेपी उठाने जा रही है? नए कदम के तौर पर जो पिछले कुछ गलतियां छूटी प्रबंधन में, मैनेजमेंट में, उन्हें सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं। सभी जगह के चुनाव प्रभारी लगभग तय कर लिए गए हैं जी। कार्यकर्ताओं के साथ में लगातार बैठकों का दौर जारी है, और प्रयास ये किया जा रहा है कि पूर्ण तरीके से एक बार पूरी ताकत लगाकर चुनाव में जो है और जीतने का प्रयास किया जी। राजकुमार जी, आपके पास आएंगे। और लोकसभा चुनाव का रिजल्ट जो है, कांग्रेस अच्छा करके गई कांग्रेस, तो अब जो है उपचुनावों को लेकर, हालांकि ट्रेंड भी रहा है पिछले 10 सालों में जो है उपचुनावों में कांग्रेस जो है अच्छा रिजल्ट लेकर आई है, क्या कहेंगे ओपनिंग नोट सर? ये है कि जितने भी पहले उपचुनाव हुए उनके रिजल्ट हमने देखे, और साथ में जिन सीटों पे अभी उपचुनाव होने हैं वो ऑलरेडी कांग्रेस के पक्ष की है, और अभी से नहीं, काफी लंबे समय से यहाँ पे कांग्रेस और इंडिया के जो सहयोगी जीतते आए हैं, तो हमारी स्थिति वहां पर काफी अच्छी है, और निश्चित तौर पर 5 की 5 सीटों पर कांग्रेस इस बार उपचुनाव में फिर से विजय प्राप्त करेगी जी। तो राजकुमार जी, आप 5 सीटों पर जीत की जो उम्मीद है वो दावे जो है वो पेश कर रहे हैं? जी बिल्कुल, 5 पे इंडिया गठबंधन की 5 की 5 सीटें गठबंधन में ये चुनाव होगा, और 5 सीटें हम इंडिया गठबंधन जीत के आएगी। उपचुनाव भी गठबंधन से ही होगा? जी बिल्कुल, जो हमारे सहयोगी है हमारे साथ ही रहेंगे, उनके साथ ही हम आगामी चुनाव लड़ेंगे जी। नवीन जी, क्या कहेंगे उपचुनावों की 5 सीटों पर जो है राजकुमार जी कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस प्रत्याशी है, कह रहे 5 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए राहुल, ये जनता है जी, जनता चुनाव का रुख किस ओर लेकर जाती है ये जनता के मिजाज पर निर्भर करता है। किसी भी चीज का दावा कर देना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। चुनाव के नतीजे आने के बाद ही यह तय होता है कि जनता ने किसे जनादेश दिया और किसे नकार दिया। ट्रेंड जो चले आ रहे थे उन ट्रेंडों का सिलसिला अब लगभग खत्म हो गया जी। ट्रेंड जो चल रहा है वो रहेगा, इस बात का दावा भी नहीं किया जा सकता। तो मेरा कहना यहाँ पे यही है, पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ पुरजोर तरीके से 5 सीटों पर अपना जो है एफर्ट्स लगाएगी, और पूरी कामना है ऐसी कि हम विजयश्री लेकर इन 5 सीटों पर आए जी। नवीन जी, आप दावे जैसी जनता का रुख की बात कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव की अगर मैं बात करूं तो उस वक्त 25 की 25 सीटें जो है उसका दावा बीजेपी जो है वो लगातार शुरुआत से करती आ रही थी जी। मैंने यही आपको कहा कि ये जनाधार है, जनमानस का पता लगा पाना और कहना बड़ा मुश्किल है जी। जनता किसे नकार दे, किसे ताज में बिठा दे, यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे 25 सीटों का दावा था, लेकिन कहीं हमारी कमियां रही, कहीं हम जनमानस पर लोगों के खरे उतर नहीं पाए, जनता के जो है जनता के मानदंडों पर कहीं ना कहीं खरे उतर नहीं पाए, या कुछ जनता की पूर्णतः संतुष्टि के काम शायद कहीं नहीं हो पाए, कुछ छूट गया, जिसका नतीजा हमें जो है चुनावों में देखने को मिला। 11 सीटों का नुकसान राजस्थान में हम लोग लेकर बैठे हैं। उसी के आधार पर मैं ये कह रहा हूं आपसे कि हम दावा करने को कर सकते हैं, लेकिन वस्तुतः स्थिति जो होगी वो जनमानस से ही पता चलेगी, जनता क्या आदेश देती है। बस सुंदरता यह है कि जनादेश सदैव सिरोधार्य रहे, उसे स्वीकारा जाए, इसको लेकर पार्टी में किसी तरह की खींचता नहीं रहे, यह भी एक जो है पार्टी की सुंदरता मैं कहूंगा। किसी के माथे उस मंडा के बताइए क्या पूछना जी। नवीन जी, मैं ये कहना चाह रहा था, आप 11 सीटों का नुकसान जो है बीजेपी ने लोकसभा चुनावों के अंदर देखा, तो क्या एनालिसिस कुछ किया आप लोगों ने, क्या बीजेपी की तरफ से क्या एनालिसिस निकला, ये 11 सीटों का नुकसान जो है किन कारणों की वजह से हुआ? देखिए कारणों को स्पष्ट नहीं किया जा सकता, कई कारण इस चीज के रह सकते हैं,
और कारणों का इंटरनल रूप से जो भी समीक्षा बैठकों के दौरान जो नतीजे निकल कर आए, जो समीक्षाएं हमारी निकल कर आई हैं, उनको आगे से बेहतर करने का प्रयास जो है किया जाए। जी राजकुमार जी, आपके पास आना चाहूंगा। अब जो उम्मीदवार है जिन्हें आप इन 5 सीटों पर उतारेंगे कांग्रेस की ओर से, क्या लगता है जातिगत आधार पे ये उम्मीदवार उतारे जाएंगे या क्या क्राइटेरिया क्या रहेगा? जी, जातिगत आधार भी देखा जाएगा, साथ में उम्मीदवार की योग्यता भी देखी जाएगी। जी बिल्कुल रूप से वो स्थानीय होना चाहिए, जनता से जुड़ा उसका रहा हो, काफी लंबे समय के बीच में जनता के, जब तक कोई परस्पर सहयोगी और आपसी बातचीत नहीं होती, उससे बढ़िया उम्मीदवार कोई नहीं होता। दूसरी, राहुल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले 10 सालों से अगर हम देखें तो इन 5 सीटों पे कांग्रेस और उनके सहयोगी दल इस पे विजय रहे हैं। और दूसरी बात, जब जनता के अपन रुझान का और उनके मूड की जब बात करते हो, तो भाजपा जनता पार्टी के पिछले 6 महीने का कार्यकाल रहा है वो पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है। चाहे कानून व्यवस्था इनकी बिगड़ी हो, चाहे अवैध खनन हो, चाहे भूमाफिया द्वारा कब्जे किए हो, चाहे चिकित्सा व्यवस्था है, हमने न्यूज़पेपर अखबारों में देखिए, बिजली संकट अभी प्रदेश की जनता ने झेला है, पानी के संकट झेला है, और यहाँ तक कि जो जनकल्याणकारी योजनाएं जो चली आ रही थी, चाहे चिकित्सा सुविधा हो, कोई भी, उनके सरकारी पोर्टल इन्होंने बंद कर दिए, और जो पेंशन वृद्धावस्था जो पेंशन जाती थी, पेंशन के खातों में नहीं गई, यहाँ तक कि इस प्रदेश की किसानों की जमीनें भी नीलाम होने की विज्ञप्तियां अखबारों में निकली है। तो जी जो 6 महीने का कार्यकाल इन्होंने जैसा इस प्रदेश की जनता को दिया था, वादे बड़े कर करके सत्ता में आना अलग बात होती है और उसको क्रियान्वित करना अलग बात होती है, तो उसका रिजल्ट लोकसभा चुनाव में दिखा है। और सबसे बड़ी बात, अभी जो मान मनवार की जो ये स्थिति यहाँ चल रही है, कभी आप देखिए पिछले 8-10 दिन के 2 घटनाक्रम में आपको याद दिला देना चाहता हूँ, सिर्फ ये उपचुनाव तक सीमित रहने वाले। एक तो मदन दिलावर जी का हिंदू वर्सेज आदिवासी करना, क्योंकि ये उन लोगों के बीच में जा नहीं सकते, क्या मुद्दे लेके जाएंगे, कार्य तो हुआ नहीं। और यहाँ से दूसरा, किरोड़ी लाल जी का इस्तीफा देना, क्योंकि जी किरोड़ी लाल जी जिस क्षेत्र से चुन के आते और जहाँ पे उन्होंने हमेशा पूर्वी राजस्थान में नेतागिरी की है, वहां पे जो मीणा समुदाय का वोट बैंक था, हम सबने देखा है, वो वहां से खिसक गया है। तो कहीं ना कहीं उन मीणाओं को साधने का, जो ये भावनाओं से, लोगों की भावनाओं से खेलने का जो काम अब बीजेपी कर रही है, जनता ये क्या पहले भी हो चुके हैं, तो जनता ऐसे कारणों को भली भांति जानती है, ये बिल्कुल विफल होने वाले। और आप तय माने उपचुनाव के बाद, ना तो मदन दिलावर जी अपना मुंह खोलने वाले और किरोड़ी लाल जी भी अपनी जगह वापस मंत्री पद ले लेंगे, बैठ जाएंगे। तो ये जनता से, इनके पास बताने को, तो जनता के बीच में जाके क्या कहेंगे कि हमने आपके लिए ये किया, या कुछ भी नहीं, वोट किस आधार पर मांगे जाएंगे? जो लोकसभा में हुआ वहां आपने रिजल्ट देखा, चाहे 84 की सीट हो, चाहे दौसा की सीट हो, चाहे देवली उनियारा हो, चाहे नागौर वाली हो, चाहे झुंझुनू वाली हो, सब जगह से कांग्रेस लोकसभा में जीत के आई और विधानसभा में भी स्थिति मजबूत है। तो कहीं ना कहीं अब लोगों की भावनाओं से किस प्रकार हम खेल कर उन वोटों के, मतदाताओं का ध्यान उस जगह से हटाकर, मुख्य मुद्दों से हटाकर कैसे हम हमारी तरफ करें, तो ये जो पिछले घटनाक्रम हमारे प्रदेश में हुए हैं, तो ये पूरा का पूरा उपचुनाव के तहत हुए, और निश्चित तौर पे जनता भली बात ही जानती है। और 5 सीटों पे मैं पुनः दोहराता हूं कि निश्चित तौर पे इस प्रदेश की जनता फिर से कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को आशीर्वाद देने। राजकुमार जी, आप स्कीम्स गिनवा रहे हैं, योजनाएं गिनवा रहे हैं, कांग्रेस के इतने काम गिनवा रहे हैं। जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब थे, उन्होंने भी विधानसभा चुनावों के समय पे काफी प्रचार प्रसार किया, लेकिन फिर भी विधानसभा में जो रिजल्ट रहा विधानसभा चुनावों का, वो कांग्रेस के फेवर में नहीं रहा। क्या कहेंगे अगर इतनी बढ़िया राहुल जी, स्कीम्स को कांग्रेस के जनता ने फेवर में क्यों नहीं हटा रहा, दिया बिल्कुल कांग्रेस? नहीं रहा, लेकिन इतना गैप भी नहीं रहा, पहले जैसी स्थिति नहीं रही, काफी मजबूत स्थिति में हम आए हैं। और मैंने योजनाएं गिनाई है तो इस वजह से गिनाई कि भारतीय जनता पार्टी ने आने के बाद ये सब बंद हुई है। तो कहीं ना कहीं, जब आप एक बात बताइए, इन योजनाओं का लाभ लेते हुए भी जी अगर हमें इतना नुकसान हुआ, तो जिन योजनाओं को इन्होंने बंद कर दिया, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा नुकसान इनको होने वाला है। और कहीं ना कहीं दूसरी बात, राहुल जी, प्रदेश की जनता के मन में यह है कि अभी तक भी किसी राज्य का अगर राजा होता है तो उसके पास पूर्ण अधिकार होते हैं। जी तो बीजेपी सरकार बनने के बाद, भजन लाल जी मुख्यमंत्री बनने के बाद, कभी भी प्रदेश की जनता को ये नहीं लगा कि एक मजबूत शासक या मजबूत हमारा अगर कोई हम लीडर बोले इस प्रदेश को, जनता को या प्रदेश को चलाने वाला अगर लीडर बोले, तो मजबूती तौर पे उभर के वो सामने है। कहीं ना कहीं ये छवि भी जनता के बीच में एक नेगेटिव तौर पे उभर कर आई है। और इनके बीच का जो असंतोष है, इनके मंत्रियों की आपस में लड़ाई, किरोड़ी लाल जी का ही, अब इनके ही मंत्री आपस में ट्रांसफर कर रहे, वही उस पर रोक लगा रहे, तो जो जी भाजपा के अंदर उथल पुथल मची हुई है, जो असंतोष फैला हुआ है, पूरी प्रदेश की जनता ने देखा है, और ये इनसे सरकार चल नहीं पा रही, और निश्चित तौर पर ये अभी 5-0 से इनका ये चुनाव परिणाम, उपचुनाव परिणाम रहने वाला है। जी चलिए,
नवीन जी आपसे जानना चाहूंगा, अभी राजकुमार जी ने आखिर में जाते जाते आपस में बीजेपी के अंदर जो अंतर कलह जो चल रहा है उसको लेकर मामला उठाया, उथल पुथल मची हुई है, किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा भी इस वक्त जो है वो भी ट्रेंड में चल रहा है काफी, तो क्या क्या लगता है आपको इन सब चीजों का असर जो है उपचुनाव पर कितना पड़ने वाला है? राहुल जी, देखिए असंतोष की पार्टी के परस्पर वैमनस्य की बात अगर राजकुमार जी नहीं करें तो ज्यादा बेहतर है। हमने, आपने और प्रदेश की जनता ने ये देखा है पिछली सरकार में किस तरह जी पायलट और गहलोत को लेकर किस तरह की खींचातानी पिछली सरकारों में रही है। एक दूसरे की जासूसी कराने के स्तर तक जब कांग्रेस पार्टी चली गई और तब उनका एक प्रवक्ता यहाँ टीवी चैनल पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी के वैमनस्य की बातें करे, ये शोभा नहीं देता। एक बार कभी अपनी तरफ भी देखना चाहिए कि हम, अब आप मुझे बताइए भारतीय जनता पार्टी का कौन सा असंतोष उन्होंने देख लिया, मुझे बताया जाए ऐसा असंतोष का कौन सा विषय रहा, किस नेता को एलिगेशन कर लिया, कहां गाली गलौज बदतमीजियां हो गई जैसा आमतौर पर कांग्रेस पार्टी में हुई है, मुझे बताया जाए कहां ऐसा हुआ है। सिर्फ एक चैनल पर बैठकर आरोप लगा देने से काम नहीं होता। किरोड़ी लाल जी का इस्तीफा, उनके द्वारा जो चिट्ठियां भेजी गई पूरी प्रदेश की जनता ने देखी, आपने नहीं देखी, इसका मैं आपको बिल्कुल, और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ नवीन जी, दूसरी बात, आप गहलोत और पायलट साहब वाली बात कर रहे, तो बीजेपी का जो षड्यंत्र था वो गहलोत साहब और पूरी कांग्रेस ने बंद किया। हमने आप जब रेप रिक्रूटिंग की इनकी बातें करते हो तो 25-25 करोड़ लेके आपने पूरे देश की जितनी भी सरकारें थी उनको गिराने का जो काम किया है, पूरे संवैधानिक मूल्यों को नष्ट करके, जहां पर आपकी सत्ता नहीं थी दूसरी पार्टी को तोड़ के लिया है आपने, मध्य प्रदेश में किया आपने, गोवा में किया आपने, मिजोरम में, आपने पूरे देश में बलपूर्वक अपनी सरकारें बनाई है, ये पूरे देखा है। और ये षड्यंत्र हमारा नहीं, आपका था, मजबूती से हमने उसको विफल किया। नवीन जी, आपकी पार्टी में भी तो ज्यादा बेटर रहेगा। राजकुमार जी, उन्हें भी बात रखने का मौका दीजिए, आपको समय मिला, आपके समय में उन्होंने इंटरप्ट नहीं करा। नवीन जी बात कहिए अपनी। सर राजकुमार जी, लोकतंत्र में बलपूर्वक सरकारें बनाई जाती हैं क्या? आप ये जो आपने ये सेंटेंस जो वाक्य बोला है, ये वाक्य आप भावावेश में भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बोल तो गए, लेकिन क्या आपको एक बार इस बात का अवलोकन कर लेना चाहिए क्या कि ये बात कहकर मैं भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठा रहा हूं? क्या बलपूर्वक भारतवर्ष में लोकसभा विधानसभा क्या सरकार बलपूर्वक बनाई जा सकती है? एलिगेशन लगाने से पहले, आरोप लगाने से पहले ये देखना चाहिए कि विरोधाभास में बहकर हम किसे, किसकी तरफ उंगली उठा रहे हैं। ये तो आपका वही ट्रेंड हुआ कि साहब ये तो ईवीएम को हैक कर लेते हैं। जब आपसे कुछ बनता नहीं है, आप लोकतंत्र पर, लोकतांत्रिक विधियों पर, लोकतांत्रिक साधनों पर आप उंगलियां उठाने लगते हैं। राज, अगर आप बात करते हैं माननीय किरोड़ी लाल जी की बात करते हैं, माननीय किरोड़ी लाल जी का पार्टी के प्रति ये मैं कहूंगा उत्तरदायित्व वो अपना समझ रहे हैं। पूर्वी पैच के जिस टुकड़े पर उन्होंने जीत का ठोस दावा किया था, वहां से सीट नहीं निकाल पाने की कुंठा उनके मन में कहीं है, उस बात को लेकर स्पष्ट रूप से उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से इसका बकायदा जो है एक सेंटेंस उन्होंने अपना निकाल कर ये उद्घोष किया है कि भैया मैं इस हार की जिम्मेवारी लेता हूं और मैं इस कारण इस्तीफा दे रहा हूं। इसमें पार्टी अंतर कलह की बात कहां आ गई? कहां तक राजनीति करेंगे? आपने कहीं देखा सुना क्या ऐसा? माननीय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको इंटरनल सोर्सेस से बहुत ज्यादा राजकुमार जी पूरी जानकारी है, आपको पूरा अगर पता है तो मुझे बताइए साहब कि क्या आपको ये पता नहीं है कि माननीय किरोड़ी लाल जी के इस्तीफे का कारण क्या है? उन्होंने पूर्वी पैच के इलेक्शन से पहले इस बात का डिक्लेयर किया था, इस सीट को अगर हम स्पष्ट रूप से नहीं निकाल पाए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब इसमें कहां पार्टी चलेगी? नवीन जी आपका ऑडियो इंटरप्ट हो रहा है। हाँ नवीन जी, अनम्यूट करवाइएगा।
नवीन जी आपका ऑडियो म्यूट है, उसे अनम्यूट कर लीजिए एक बार, आपका ऑडियो नहीं आ पा रहा है जी। तो दरअसल आप किरोड़ी लाल जी के इस्तीफे की बात को किसी पार्टी की अंतरकलह से नहीं जोड़ सकते, ये उनका व्यक्तिगत मत है। उन्होंने चुनाव से पूर्व इस बात की घोषणा की थी, पूर्वी पैच की जो सीटें हैं वहां से अगर वो सीटें नहीं निकाल पाए तो इस्तीफा दे देंगे। और मुकर जाना, पार्टी के मुकर जाना या बात से पीछे हट जाना ऐसा पार्टी के उसमें नहीं है। हालांकि उस बात पर पूरी तरह से मोहर अभी नहीं लगी है, माननीय किरोड़ी लाल जी अपनी इस्तीफा देना चाह रहे हैं लेकिन वो अभी स्वीकार नहीं किया गया है। चलिए राजकुमार जी आपके पास आना चाहूंगा, सचिन पायलट और गहलोत साहब के बीच की जो गहमागहमी है वो काफी देखी गई है, विधानसभा चुनावों से पहले भी ये देखने को मिला, और आपसी द्वंद जो है, महत्वाकांक्षाओं की जो लड़ाई है राजनीति की, वो भी देखने को मिली। तो लेकिन अगर लोकसभा चुनावों की बात करें तो सचिन पायलट के खेमे के नेताओं ने अच्छी परफॉर्मेंस की है लोकसभा चुनाव में, तो क्या अब उपचुनाव में सचिन पायलट को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी? राहुल जी, लोकसभा चुनाव हम सारे एक साथ मिलकर लड़े हैं, बहुत अच्छी तरीके से लड़े हैं, हमने किसी भी प्रकार की हमारी पार्टी में गुटबाजी नहीं थी। और दूसरी, अभी नवीन जी ने लोकतंत्र की बात की तो मैं महोदय को थोड़ा याद दिलाना देना चाहता हूँ कि कौन बलपूर्वक और कौन छल पूर्वक, कौन पैसों से, कौन ईडी सीबीआई इनके इनकम टैक्स के छापे हमने नहीं कहा, मध्य प्रदेश में हमने नहीं कहा, अभी आपका वाक्यांश है, किसने बदला ये आपका वाक्यांश है, पूरे देश की जनता ने देखा, नहीं हमने नहीं कहा मीना जी, ये आपका वाक्यांश है, पूरे देश की जनता ने देखा, बिहार में क्या हुआ पूरी देश की जनता ने देखा है, मूर्ख नहीं है इस देश की जनता, इन राज्यों में जो सरकारें बदली गई थी बलपूर्वक छल पूर्वक पूरी देश की जनता ने देखा है। दूसरी, अब मैं किरोड़ी लाल जी की बात पे आता हूँ, किरोड़ी लाल जी ने जब विधानसभा चुनाव में सवाई माधोपुर से चुनाव लड़ा था, पूरी राजस्थान के, यहाँ तक कि पूरे प्रदेश के मीणा समाज में ये बात फैलवाई गई थी कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार है बाबा मुख्यमंत्री, इस बार बाबा को मुख्यमंत्री ने देखा है, किस प्रकार उन्होंने कैंपेनिंग की ये भी हमने देखी है। मेरी जी जी राजकुमार, किस प्रकार किरोड़ी लाल चुनाव प्रचार, और जब उनको जीता के यहाँ से, और किस प्रकार वो चुनाव जीते, ये अंतर की बात है, हमें मालूम है, हमारे लोगों को मालूम है किरोड़ी लाल जी चुनाव भी किस प्रकार जीते, लेकिन समाज ने उनको बहुमत दिया, उनके द्वारा जो कैंडिडेट उतारे गए थे बहुमत दिया, क्या हुआ जब चुनाव जीत के आए, सीटें निकाल के पूरी राजस्थान से किरोड़ी लाल जी लाए, समाज ने पूरा साथ इस वजह से दिया कि मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री पद बनाया जाए, इनको बनाया जाए, लेकिन क्या हुआ, ना तो मुख्यमंत्री बने ना उप मुख्यमंत्री बने, यहां तक कि विभाग भी ऐसे दे दिए जो उनको मनमर्जी के नहीं थे। मेहनत करी किरोड़ी लाल जी ने, हर आंदोलन में आगे रहे किरोड़ी लाल जी, मलाई खाई भजन लाल जी ने। दूसरी बात, इतना होने के बाद भी उनका मन कुंठा से और इनकी गलानी से, आप देखिए एक सरकार का मंत्री अपने मुख्यमंत्री को कोई बात बताने के लिए पत्र लिख रहा है और उसको सार्वजनिक कर रहा है, इतनी बड़ी कलह सरकार में चल रही है और इनको नजर नहीं, कोई बात नहीं इनको नजर नहीं आती, लेकिन प्रदेश की जनता को तो नजर आती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाजपा के लोगों को नजर नहीं आती। और उसके बाद आप देखो, जब लोकसभा चुनाव आते तो उसी जगह से जो किरोड़ी लाल जी ने भावनाओं के, लोगों की भावनाओं से, समाज की भावनाओं से केल के जो वोट हासिल किए थे, वोट बैंक हासिल किया था, वो लोकसभा में समाज ने बिल्कुल तरह से उसे नकार दिया, क्योंकि भाजपा ने कोई साथ तो दिया नहीं, उन्हें लगा था कोई आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, किरोड़ी लाल जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, बनाया नहीं। और अब किरोड़ी लाल जी ने ट्रांसफर किए तो मदन दिलावर ने उन पर रोक लगा, उनकी चिट्ठियां भी सार्वजनिक हुई है, पेपरबाजी हुई है, अब ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं ना, जब एक मंत्री ट्रांसफर करके इनका दूसरा मंत्री उस पर रोक, इससे बड़ी अंतर कलह और क्या हो सकती। चलिए बिल्कुल जनता सामने आ रही है, इससे बड़ी क्या हो सकती है, वो बात अलग है, बीजेपी वालों को नजर नहीं आया तो खैर उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, जनता सब देख रही है। जी नवीन जी, राजकुमार जी ने कई आरोप लगाए हैं, उनके बारे में भी आपसे जवाब चाहेंगे। साथ ही साथ एक सवाल मेरा यहाँ ये निकल कर आ रहा है, 1 जुलाई को 5 विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारियों की नियुक्ति की गई बीजेपी की ओर से, 22 लोगों को प्रभारी बनाया गया है, 22 नेताओं को, लेकिन एक भी महिला नहीं है उसमें, क्या कहेंगे इस बात को लेकर? इसका कोई विशेष कारण नहीं है, जहां जैसी पार्टी के समीकरण रहे, जहां जिसने जिम्मेदारी एक्चुअली यहां भाजपा में थोपने जैसा या सौंप देने जैसा कुछ नहीं है, सहजता से, सहमति से सारे काम होते हैं, जैसी सहजता, सहमति, जैसी मीटिंगों के दौरान, जैसी चर्चाओं के दौरान नतीजे निकल कर आए, वैसे प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, इसमें ऐसा कोई विषय नहीं है कि महिलाओं को दरकिनार कहीं किया गया हो या ऐसा नहीं है। एक्चुअली हमारे तो, हम तो ये मान के चलते हैं कि हमारी पार्टी की शीर्ष नेता माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया, जो हमारी पार्टी की उपाध्यक्ष हैं, हम तो उनके मार्गदर्शन में काम करते हैं। अभी आपके ध्यान में होगा माननीय भजन लाल जी, हमारे मुख्यमंत्री,
उपचुनाव की चर्चा के विषय में जी उनके वसुंधरा आवास राजे पर से जाकर बताया मिलकर करूंगा आए हैं क्या उनसे। है। जी बिल्कुल, जी उनकी इस आवास पर मुलाकात जाकर के बारे में फीसदा आप क्या मिलकर आए कहेंगे हैं, चुनाव के वसुंधरा विषय में चर्चा राजे? हुई है, जी और भी कई कई चर्चाएं हुई है अपनी ईआरसीपी योजना को लेकर जो चर्चा हुई है। ईआरसीपी के मैं तो प्रणेता जो है ईआरसीपी के मुख्य प्रणेता माननीय वसुंधरा राजे को ही मानता हूँ, और उन्हीं के नेतृत्व में काम होना है आगे भी, तो उस विषय में भी चर्चा हुई है, बजट को लेकर भी चर्चा हुई है। तो ऐसा नहीं है सिर्फ पार्टी के प्रभारी की नियुक्ति में कहीं महिलाओं को नहीं आना, ये आप इससे ये नहीं कह सकते, कहीं महिलाओं को राजस्थान सरकार के द्वारा दरकिनार किया जा रहा है, ऐसा नहीं। चलिए नवीन जी, आपने वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मुलाकात की बात उठाई, बिल्कुल उनके आवास पर गए थे भजनलाल जी मुलाकात के लिए, तो क्या कारण मानते हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे को अगर हम नजर डालें लोकसभा चुनाव की, विधानसभा चुनाव की, तो कहीं ना कहीं साइडलाइन ऐसी बातें आ रही थी निकलकर मीडिया हाउसेज में कि उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है बीजेपी ने, तो क्या वापस से उन्हें स्ट्रीमलाइन में लाने की एक कोशिश है भजनलाल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की? नहीं, साइडलाइन नहीं किया गया, ये सब एक्चुअली ये सब अजम्पशन कांग्रेस के बनाए हुए अजम्पशन हैं सारे, कहीं दरकिनार नहीं किया गया, कहीं साइड नहीं किया गया। आज भी आप इस घटना से इससे बेहतर अभी आपको नजीर क्या मैं दे सकता हूँ। आम चुनाव से पहले, ईआरसीपी प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन से पहले, या आम बजट से पहले, हम देश के मुख्यमंत्री जी 1 घंटे की एक नैतिक चर्चा माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ करके आए हैं, तो बिल्कुल हम कैसे कह सकते हैं कि उनको दरकिनार किया है, ऐसा नहीं है। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं में, सभी कार्यकर्ताओं में, नीचे से लेकर ऊपर तक के कार्यकर्ताओं में एक आपसी तालमेल है, परस्पर स्नेह है, वैमनस्य जैसा भी कहीं कुछ नहीं है। बाकी छोटी छोटी चीजों से निकाल कर मुद्दे निकालना, एक नरेटिव सेट करना कांग्रेस का शुरू से माइंडसेट रहा है, वो प्रयास अभी भी किया जा रहा है, उससे नहीं नकारा जा सकता। जी, चलिए राजकुमार जी आपके पास आना चाहूँगा, लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो कांग्रेस पार्टी ने किया, अब उपचुनाव है तो इन उपचुनावों को लेकर जिस तरीके से बीजेपी ने तो प्रभारी नियुक्त किया कर दिए हैं, कांग्रेस क्या प्लानिंग कर रही है? राहुल जी, हमारे भी जहाँ जहाँ पे प्रभार क्षेत्र देना था, हम पांचों विधानसभा में प्रभार क्षेत्र दे चुके हैं। साथ में जो हमारी इंटरनल रणनीति जो चल रही है डोर टू डोर कैंपेनिंग की, वो हमारी प्रारंभ हो चुकी है। कैंडिडेट जब भी पार्टी तय करेगा, हमें हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे जो नीचे की लीडरशिप है, उसको उससे कोई लेना देना नहीं। जो भी आएगा उसको चुनाव होगा स्थानीय, उसको चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन उसकी तैयारियां हमारा अभी से जारी हो चुकी है, और हमारा डोर टू कैंपेनिंग मतदाताओं से मिलना, और इसके साथ में एक काम भी और किया जा रहा है कि कहां पर हम लोकसभा चुनाव में कम रह गए थे, किस बूथ पे कम रह गए थे, किस पंचायत पे कम रह गए थे, निश्चित तौर पे उस पर काफी मजबूती से हमारा कार्य हो रहा है। जी, तो राजकुमार जी किन मुद्दों को लेकर आप इन क्षेत्रों में उतर रही है कांग्रेस पार्टी के, अगर मैं बात करूं तो इन 5 सीटों पर जहां उपचुनाव हो रहे हैं अब क्या मुद्दे रहेंगे इन क्षेत्रों के? राहुल जी, कांग्रेस पार्टी को पिछले 6 महीने का बीजेपी का कार्यकाल देख के किसी मुद्दे को देने की आवश्यकता नहीं। हम जनता के बीच में जाते हैं, वही खुद कह देते कि या जो भी, मतलब आप देखिए इतनी तकलीफें जनता के बीच में भरी पड़ी है कि हमें अलग से कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही। जनता खुद इनकी नाकामियां गिना रही है, कांग्रेस को गिनाने की कहीं आवश्यकता है ही नहीं। हम जाते हैं डोर टू डोर कैंपेनिंग करने जाते हैं, मैं भी गया हुआ था, तो वहां जाते जैसे खड़े होते तो उन्हें कांग्रेस का शासन याद आ जाता है, वो बोलते थे बस गलती हुई है। हालांकि जहां पे उपचुनाव हो रहे हैं वहां पे सब जगह हम जीत के आए, लेकिन अब इस बार तय मानेगा वोट प्रतिशत काफी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि जी कुछ लोगों ने, एक ट्रेंड होता है ना राजस्थान का, उसके बताते थे कुछ वोट प्रतिशत हमेशा हमारे चेंज होती है, लेकिन पिछले 6 महीने के कार्यकाल को देखते हुए वो भी कमी हो गई। कांग्रेस को नया मुद्दा नरेटिव करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 महीने इतने खराब इस राजस्थान की, प्रदेश की जनता निकले और झेला है कि कांग्रेस को नया कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। नवीन जी आपके पास आना चाहूंगा, कांग्रेस जो है पिछले 10 सालों पर अगर उपचुनाव को अगर देखें नजर डालें तो कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, एक ट्रेंड सा चला आ रहा है, तो इस ट्रेंड को तोड़ने के लिए बीजेपी कितनी तैयार है आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे, क्या तोड़ पाएगी इस बार इस ट्रेंड को? 100% बीजेपी तैयार है, और राजकुमार मीणा जी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं कि 6 महीने की प्रोग्रेस रिपोर्ट, दो बात मैं कहूंगा, अगर कांग्रेस मेरी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाएगी, बेहतर बनाएगी, क्या नहीं बनाएगी, इनके चश्मे से जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ बोला जाए, और अगर प्रोग्रेस रिपोर्ट के बेस पर आपको लगता है कि 6 महीने की प्रोग्रेस रिपोर्ट के बेस पर भारतीय जनता पार्टी इन सीटों को नहीं जीत पाएगी, जी मैं 19 से लेकर 23 तक के कांग्रेस के कार्यकाल की बात करता हूँ, आप क्यों अच्छा रिपोर्ट कार्ड नहीं बना पाए, अरे तो आप तो सहज आपकी चर्चा बात कर करिए। लो, कोई मैंने दिन के बीच बात कर लो, कांग्रेस प्रवक्ता कोई बड़े अच्छे राजनीतिक सुनिए, आदर्श पे पहुंच जाते हैं, बात 6 महीने की अभी की हो रही है, पूर्ववर्ती पे जाने राजकुमार की जी, जरूरत राजकुमार है, आएंगे एक बार बताइए राजकुमार आदर्श से जी, बोलने का। राजकुमार जी, आप बहुत जल्दी बौखला जाते हैं, अरे आप बौखला बहुत नहीं जल्दी जाते, बौखला जाते हैं।
आप रास्ता भटकते हो ना मुद्दे से, उसको वापस मुद्दे पे लाने का प्रयास करते हैं। हम बोल रहे हैं ये बीजेपी प्रवक्ताओं की खासियत होती है, जब खुद भी आती है तो पूर्ववर्ती सरकारों पे निकल जाते हैं। आप अपनी राजकुमार जी, सरकार का ये मान, आपकी मैं खुद में बिल्कुल भी मुद्दे से नहीं भटक रहा हूं राजकुमार जी। आपने काम जनता के वोट का आधार 6 महीने की प्रोग्रेस रिपोर्ट को कहा। मैं आपसे राजकुमार पूछना चाह रहा हूं, छह जी देखिए महीने में आपने क्या किया वो बता दो बस। चलिए ठीक है राजकुमार जी, नवीन जी को बोलने का मौका दीजिए, आपके पास आएंगे तब आप अपने सवाल रखिएगा या बात जो भी आपको करनी है वो करिएगा। नवीन जी देखिए, ये मैंने कई बार ऐसा देखा है कि जैसे ही बात मुद्दे की आने लगती है, ये लोग बौखलाकर बीच में बोलना चालू कर देते हैं, डिबेट को बीच में काटना चालू कर देते हैं। मैं बड़ी पते की बात कर रहा हूँ, और जो सेंटेंस इन्होंने बोला मैं उसी सेंटेंस को पकड़ कर बात कर रहा हूँ। माननीय का कहना है कि 6 महीने में आपके काम बहुत अच्छे नहीं रहे सर, इसलिए जनता आपको नकार देगी। मैं पूछना चाह रहा हूँ भाई साहब, अगर अगर यही आधार चुनाव का है तो आप ये मान लीजिए कि 19 से 23 के बीच में आपने भी कुछ काम नहीं किया, 5 साल थे आपके पास, आप कुछ नहीं कर पाए और जनता ने आपको नकार दिया। अगर यही आधार है तो अब आप बताइए मुझे सार्वजनिक मंच से, चैनल के मंच से, क्या आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ये बात कि 5 साल में हम कुछ नहीं कर पाए? और करने की अब प्रोग्रेस रिपोर्ट पहले आपने इनके चश्मे से देखी, अब मैं भी आपको दिखा देता हूँ साहब। आप देखिए ERCP प्रोजेक्ट जो है, जो राजस्थान के इतिहास में एक नींव का पत्थर साबित होगा, इतना बड़ा काम इस 6 महीने में धरातल पर उतरने की तैयारी में है। ये सबसे बड़ा काम जो इनको दिखाई नहीं देता। नवीन जी, जैसा मैंने राजकुमार जी से पूछा किन मुद्दों को लेकर जहां उपचुनाव है उन क्षेत्रों में जाएंगे, वही सवाल आपसे भी है, किन मुद्दों को लेकर बीजेपी जो है इन 5 सीटों पर जो है उतरने वाली है, क्या मुद्दे रहेंगे? विकास का मुद्दा है, विकास का रथ लेकर भाजपा चल रही है आगे, और निसंदेह जी राजस्थान के इतिहास में नए नए आयाम स्थापित करने का एक कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी का है, और उन्हीं के बेस पर हम ये उपचुनाव में अपनी विजय हासिल। वैसे तो चर्चा जिस विषय पे आज चर्चा है वो जितनी की जाए उतनी कम है, उतनी कम रहेगी, लेकिन फिर भी समय की अपनी एक सीमा होती है, समय समाप्ति की ओर है, तो इसीलिए क्लोजिंग नोट लेना चाहूँगा आप दोनों ही मेहमानों से। उपचुनावों को लेकर कितनी तैयार है बीजेपी और कांग्रेस, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले राजकुमार जी क्लोजिंग नोट सर। राहुल जी क्लोजिंग नोट में बस इतना ही है, जैसे इन्होंने ERCP की बात की है तो ERCP का मुझे एक पुख्ता एक कागज इस प्रदेश की जनता दिखा देगा आपने ये किया, क्योंकि ERCP की जो घोषणा इन्होंने की, जैसे 15-15 लाख खाते में आना, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार, किसानों के MSP, जैसे इन्होंने ढोकले वादे 2014 से केंद्र सरकार करती है, ERCP भी ऐसा झूठा वादा है। एक सबूत दिखा दे इस प्रदेश की जनता को कि लिखित में कि हमने ये कर दिया। और रही मुद्दों की बात, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि 6 महीने इतने बुरे इस प्रदेश की जनता ने झेला कि हम जाते तो वही कह देती है, वही ना उन्होंने सिरे से नकार रखा है। और 19 से 23 की बात करते तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने 19 से 23 की सरकार के बीच में, महोदय आपको बता देता हूँ कि कोरोना काल झेला है, और इतना तगड़ा मैनेजमेंट हमारी सरकार का रहा है कि नरेंद्र मोदी भी, केंद्र सरकार भी राजस्थान की एक मॉडल को फॉलो करते हुए पूरे देश में कोरोना मैनेजमेंट किया है, इतनी सारी जनकल्याणकारी योजना ने आपको फिर भी नकार दिया राजकुमार जी, आप चिढ़ गए ना किसानों को, जनता ने आपको फिर भी नकार दिया ना, सारी की सारी योजनाएं जिनमें से चिकित्सा की जो हमने 25 लाख तक की उसे घटा रहे हो, हमने पेंशन दिए लोगों को, खाने के किट दिए, अनाज दिया है, इतनी बड़ी महामारी से हमने इस प्रदेश को बचाया, इतना बड़ा काम इस प्रदेश की जनता ने, जनता के अंदर कांग्रेस ने किया है, लेकिन आपके 6 महीने का कार्यकाल देख के और लोकसभा में आपको परिणाम दिए हैं, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, वो परिणाम जनता के सामने आपके, आप मानो या ना मानो, आप नकारो वो आपका काम, बाकी जनता ने आपको पूर्णतः नकार दिया है। राजकुमार जी नवीन जी से क्लोजिंग स्टेटमेंट लेते हैं, नवीन जी बिल्कुल मैं वापस से यही कहना चाहूंगा, इनके गिनाने से हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, मैं नहीं मानूंगा। जनता अपना रिपोर्ट कार्ड दे चुकी है, जनता इनको नकार चुकी, ये मैं या आप तय नहीं करेंगे कि आपने क्या किया मैंने क्या किया, ये जनता तय करेगी। उपचुनाव के बाद ये पता चलेगा किसने किसको नकारा है, किसकी परफॉर्मेंस शीट क्या रही जी। चलिए आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों राजस्थान में 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जो है वो होने वाले हैं, और यहाँ पर सियासी बिसात जो है वो अब बिछने लग गई है। हालांकि मोहरे और चाल किस तरीके से चली जाएंगी, दोनों बड़ी पार्टियां बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की, दोनों ने अपनी कमर कस ली है उपचुनावों को लेकर। कांग्रेस जो पिछले 10 सालों से देखे तो उपचुनावों में अच्छा परफॉर्म कर रही है, वहीं बीजेपी के भजनलाल शर्मा के लिए ये एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है सामने कि क्या इस कांग्रेस के इस ट्रेंड को भजनलाल तोड़ पाएंगे, एक देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही, मुझे और हमारे दोनों मेहमानों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।